नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है। एसआई के बेटे व दो फोर्स के जवानों ने मिलकर किया ऐसा गुनाह कि शर्मिंदा हुई खाकी। आसा जुआ फर्ज से पुलिस ने 7 जुआरों को पकड़ा। एसआई के बेटे और जवान भी शामिल। आरोपियों से 42,000 नगद, 5 बाइक व 7 मोबाइल बरामद किए। एसआई के बेटे व दो फोर्स के जवान ने मिलकर खाकी को शर्मसार करने वाला गुनाह किया है। कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को आसा फर्ज से 7 जुआरियों को ताश पत्ती से जुआ खेलते हुए पकड़ा। इनमें से अभिषेक नेगी पुलिस लाइन में पदस्थ एक एसआई के बेटे हैं। कंगोली स्थित 5वीं बटालियन का जवान वेद कुमार धनकर व अंबेडकर चौक की निवासी संदीप सिंह है। अन्य आरोपी कुम्हार पारा के मनीराम मौर्य, उन्ना पुजारी पारा के मंथन पुजारी, समुद्र चौक के पवन त्रिपाठी, हाट कचौरा के अंकित पटवा है। सभी के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों से पुलिस ने 52 ताश के पत्ते, 42,690 नगद, 2 बाइक व 7 मोबाइल बरामद किए। पुलिस को मुखबिर से आशा जंगल में कुछ लोगों के जुआ खेलने की सूचना मिली थी। इस पर एक टीम मौके पर भेजी गई। टीम को आशा जंगल के बीच कुछ लोग ताश पत्ती से जुआ खेलते हुए मिले। पुलिस ने घेराबंदी कर जुआ खेलते हुए 7 लोगों को मौके पर पकड़ा। इनसे प्राप्त हुई नगद राशि सहित अन्य सामान जब्त किया गया। इस कार्रवाई में कोतवाली निरीक्षक एमएन साहू, पीयूष बघेल, बबलू ठाकुर, प्रकाश नायक, रवि ठाकुर, रवि सरदार, दीपक कुमार शामिल रहे। सवाल जो हर बार उठता है, पहले भी हुई कार्रवाई, फिर भी क्यों है बेक ऑफ चलता हुआ जुआ? ओके जी सर, बता दें। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुआ था कि ग्राम आसना के जंगल में कुछ जुआड़ी जो है ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में रेड कार्यवाही हेतु टीम रवाना की गई थी। और रेड टीम के द्वारा दर्शित स्थल पर रेड कार्यवाही किया गया। और इस रेड कार्यवाही के दौरान जो है 7 जुआड़ी मौके पर ताश के पत्तों से जुआ खेलते पकड़े गए, जिनमें अंकित पटवा, पवन त्रिपाठी और 5 अन्य सभी निवासी जगदलपुर हैं। और जिनके फड़ और पास से करीब 42,690 रुपये नकद, साथ में 5 मोटरसाइकिलें और 7 जो मोबाइल हैं वो मौके पर जो है बरामद किया गया है। और इस मामले पर 42,690 रुपये, 5 नग मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल को इस मामले में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत जब्त किया गया है। और इन मामलों में आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इस मामले में अंकित पटवा, पवन त्रिपाठी और अन्य 5 को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी यह मामला जो है थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। और इसमें जब्तशुदा संपत्ति की जो अनुमानित कीमत है करीब 2.5 लाख रुपये आंकी गई है।